नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। भारत जैसे देश में संतों का वास है। यहाँ संत ईश्वर के बराबर ही पूजनीय माने जाते हैं। करोड़ों लोग इनका अनुसरण करते हैं, आंखें बंद कर इनकी बातों पर विश्वास करते हैं। ऐसे में इन संतों के मुख से निकला एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम संतों का मुद्दा लेकर क्यों बैठ गए हैं। दरअसल इस वक्त दो महान संतों के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। दोनों को मानने वाले करोड़ों भक्त हैं। ऐसे में इन दोनों की जंग ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा और वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के एक दावे ने लाखों हिंदुओं का दिल दुखा दिया, जिसके बाद वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने उनको ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया। देखिए ये रिपोर्ट। राधा रानी पर हिंदू धर्म के दो संत आपस में भिड़ गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद प्रेमानंद महाराज जी तू तड़ाक पर आ गए हैं। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा को कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। दरअसल संतों में विवाद की शुरुआत राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद हुई है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो जारी कर इसका जवाब दिया है। पहले तो आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या है। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो बरसाना। पक्के में? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं रहने वाली थी। इसी तथ्य पर संत प्रेमानंद महाराज ने सीधा प्रहार किया है। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा पर सीधे शब्दों में जवाब दिया है। राधा रानी पर टिप्पणी के बाद संत प्रेमानंद महाराज जी तमतमा गए हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में पंडित प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया है। उन्होंने कहा क्या, आइए सुनाते हैं। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा ना समझे, उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीक दानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करें जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में नहीं। जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर। और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे ऐसों को बैठा लोगे तो। अरे कम से कम सोच समझ करके तो बैठा लो। इनको भूरिदा जना कहा गया, पूज्य भागवताचार्यों को भूरिदा जना, भगवान की चर्चा करके शून्य मानस हृदयों में जो भक्ति से शून्य है उनके हृदय में भक्ति का प्रचार प्रसार करके भगवत रस से भर दे, उन्हें भागवताचार्य कहते हैं। ऐसी चर्चा भगवान की कभी हमने नहीं सुनी जैसी आज अब कलयुग में शुरू हो गई है। एक बहुत बड़े अपने को भागवताचार्य कहते हैं, द्वारिकाधीश के विषय में बोल दिए, जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं, उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं, और उन्हीं को तुम बेकूफ कहो और उन्हीं को तुम गालियां दो। कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुधान जाती है, दान में जब कुधान आता है तो उनकी कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपने को बड़े महापुरुष माना जाता है। हम भागवताचार्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हमारी बात जिनके कानों में यहाँ सुनाई दे रही हो, जहाँ भी सुनाई दे, आप बहुत बड़े भूरिदा जना कहे जाते हो। केवल प्रेमानंद महाराज जी ही नहीं बल्कि अब भक्त भी पंडित प्रदीप मिश्रा के विरोध में उतर आए हैं। सड़कों पर पंडित प्रदीप मिश्रा के पुतले फूके जा रहे हैं।
जिसके बाद याग बुझने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा रुद्राक्ष महोत्सव के लिए जाने जाते हैं। हर वर्ष सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में वे रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं। वहीं प्रेमानंद महाराज वृंदावन के इस वक्त सबसे लोकप्रिय संत हैं। वो बाकी संतों की तरह तमाम झाम में विश्वास नहीं रखते। वो केवल अपने विचारों और साधारण जीवन शैली के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचे हैं। वहीं राधा रानी को लेकर वृंदावन के भक्त बहुत संवेदनशील होते हैं। ऐसे में उनके लिए कहीं एक एक बात का महत्व खास हो जाता है, इसलिए इस प्रकरण ने आग की तरह विकराल रूप धारण कर लिया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।